हेलो दोस्तों, सनूसा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गोदरेज 25 लीटर कैपिटल सेफ। यह सेफ आपको होटल में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस सेफ के बारे में एक एक करके सारा जानकारी देंगे। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए इस सेफ को सबसे पहले खोल लेते हैं। इस सेफ को खोलने के लिए की का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस सेफ में की दिया हुआ है, तो इस की की सहायता से इस सेफ को हम खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये की पॉइंट है जो कवर किया हुआ है, उसको स्लाइड करके आप खोल लेंगे। तो आइए हम इस की से इसको पहले खोल लेते हैं। की को जैसे ही एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे और हैंडल को क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आपका सेफ खुल जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आप सेफ खोलेंगे अंदर आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगा, साथ ही में इसके साथ आपको एक बैटरी बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस बैटरी बॉक्स का आप यूज कैसे करेंगे। और इसी के साथ आपको स्क्रू बोल्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको इस सेफ को वार्डरोब या अलमीरा में फिक्स करवा सकते हैं। इस सेफ के पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दो होल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब इस सेफ को हम ऑपरेट करते हैं। अब हम जानेंगे कि यह सेफ आप कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, तो इसके बारे में अब हम बताएंगे। तो इस सेफ को बंद करने के लिए आपको या फिर खोलने के लिए आप इसमें जो भी पासवर्ड से इस सेफ को बंद करेंगे उसी पासवर्ड से यह सेफ खुलेगा। और साथ ही में जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका यह हैंडल भी नहीं घूमेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक पासवर्ड डालते हैं जिसमें 1234 हैश प्रेस करेंगे तो ओके देखने को मिल जाएगा। तो इस पासवर्ड से इस सेफ को हम बंद या खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पासवर्ड डाला तो हैंडल घूमने लगा है। तो वापस से हम करते हैं 1234 हैश, तब ओके लिखा है तो हमारा हैंडल घूमेगा। तो इस सेफ को हम हैंडल घुमा के बंद कर देते हैं। जैसे ही ओके हटेगा हमारा हैंडल घूमना बंद हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सेफ लॉक हो गया है। अब वापस से इस सेफ को खोलने के लिए हमें 1234 जो पासवर्ड हमने एंटर किया उसी पासवर्ड से यह सेफ खुलेगा। तो हमने पासवर्ड डाल दिया है, अब देख सकते हैं पासवर्ड डालते ही हमारा सेफ खुल गया है। इस सेफ में आपको मास्टर पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। यह इसलिए होता है कि अगर कस्टमर आपका सेफ लॉक करके चला गया है तो आप मास्टर पासवर्ड या की से इस सेफ को खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मास्टर पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हैं। अभी इस सेफ में डिफ़ॉल्ट मास्टर पासवर्ड 8500 है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो मास्टर पासवर्ड चेंज करने के लिए दो बार स्टार प्रेस करेंगे, उसके बाद जो भी पुराना मास्टर पासवर्ड है जैसे 8500 है तो इसको हम एंटर करेंगे। तो हमने एंटर कर लिया, लास्ट में हैश प्रेस करेंगे। तो अब जो भी आपको नया मास्टर पासवर्ड डालना है तो हमने 1500 नया मास्टर पासवर्ड बनाया है, तो इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो हमने यह एंटर कर लिया है, लास्ट में हैश प्रेस करेंगे तो हमारा ये मास्टर पासवर्ड सेट हो गया है। अब हम इस सेफ को मास्टर पासवर्ड से खोलेंगे। तो सबसे पहले इस सेफ को हम किसी भी पासवर्ड से बंद कर लेते हैं। तो आइए इस सेफ को हम 4321 हैश से बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सेफ यह बंद हो गया है। अब इस सेफ को हम मास्टर पासवर्ड से खोलेंगे। तो हमने अभी इसमें मास्टर पासवर्ड चेंज कर दिया है जो 1500 है। तो आइए मास्टर पासवर्ड से इसको खोलते हैं। तो हमने 1500 एंटर कर दिया है, हैज लास्ट में प्रेस जैसे ही करेंगे ओके लिख जाएगा, इसका मतलब मास्टर पासवर्ड से हमारा यह सेफ खुल गया। तो इस प्रकार आप इस सेफ को मास्टर पासवर्ड से खोल सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में हमने आपको एक बैटरी बॉक्स के बारे में बताया था, तो अब हम इसका यूज करना जानेंगे। मान लीजिए कि आपके सेफ का बैटरी डेड हो गया है और इमरजेंसी का चाबी भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस बैटरी बॉक्स की सहायता से अपना ये सेफ खोल सकते हैं। तो आइए इस सेफ में सबसे पहले हमने ये रिमोट वाली बैटरी लगा दी है। अब इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे ये पिन के लिए एक होल दिया गया है, तो आइए हम इसको लगा देते हैं। तो जैसे ही इसमें लगाएंगे आप देखेंगे कुछ लाइटें जलने लगी हैं। तो अब इस बैटरी बॉक्स की सहायता से हमने जो भी पासवर्ड डाला है या फिर मास्टर पासवर्ड से इस सेफ को हम खोल सकते हैं। तो आइए इस सेफ को 1234 हैश से इस सेफ को खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपका बैटरी डेड हो जाता है तो आप इस बैटरी बॉक्स की सहायता से अपने सेफ को खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।